तु सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य आज पूर्णिमा के दिन है ना, उपोषत के दिन है। आज आप सभी लोग उपोषत लिए हैं, तो ये सूत्र सुनने के बाद आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। उस दिन भगवान बुद्ध श्रावास्ती में थे। उस दिन भगवान बुद्ध को बहुत सेवा करने वाली एक माताजी थी, उनका नाम विशाखा। क्या नाम थी? विशाखा। विशाखा पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के पास आया, आकर के नमन करके बैठ गया। बैठने के बाद भगवान बुद्ध पूछ रहे थे विशाखा से, विशाखा ये दिन में कहाँ से आ रहे थे आप? बताया तथागत भगवान बुद्ध जी, आज उपोषत थे ना, पूर्णिमा है, इसलिए आज हम उपोषत लिया, आज मैं उपोषत ली हूँ। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया विशाखा, ये तीन उपोषत होता है। कितना उपोषत? तीन उपोषत होता है। पहला है गोपालक उपोषत। पहला क्या है? गोपालक उपोषत। ग्वार का उपोषत। दूसरा निगंठ उपोषत। दूसरा निगंठ उपोषत। तीसरा है आर्य उपोषत। आर्य उपोषत। बताया विशाखा, ये गोपालक उपासक क्या है? ग्वार गोपालक उपोषत मतलब क्या है, यानी कि ग्वार का उपोषत मतलब क्या है? वो क्या है, ग्वार गाय, पूरा गाय, सारे लोगों को, गाय बैल को लेकर के ले जाते समय इसी प्रकार सोचता है। क्या सोचता है? आज हम गाय को इसी इसी जगह पे ले जा करके खाना खिलाया, घास खिलाया, बहुत सारा गाय है, उसी उसी जगह से हम पानी पिलाया, और तो कल कहाँ जाएंगे? इसी जगह में कल जाएगा तो घास उतना नहीं मिलेगा, तो उसी जगह पे जाएंगे गाय को लेकर के, ले जाकर उसी जगह से घास खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे। वैसे ही है, कोई कोई लोग क्या करता है, कोई कोई लोग उपोषत लेके क्या करता है, गलत उपोषत लेकर के, कोई कोई बाबा लोग, आज हम उधर से खाया, उधर जाने को बहुत मिला, कल कहाँ जाएंगे खाने के लिए? उधर जाए गया तो उधर का खाना मिल जाएगा, तो परसों कहाँ जाएंगे? ऐसा करें कौन लोग, हम हर जगह खाते खाते जा रहा है, उधर जाके खाता है, फिर थोड़ा आराम करता है, फिर खाते खाते जा रहा है, उसी ऐसा एक उपोषत लेके रहता है। वो कौन सा उपोषत है? गोपालक उपोषत। ग्वार अपना गाय को देखना, जैसा कैसे गाय को देखता है, आज हम गाय को उसी जगह पे खिलाया पिलाया, खाल उसी जगह पे, दूसरा जगह पे ले जाकर खिलाएंगे पिलाएंगे। वैसा लोग क्या करता है पूर्णिमा के दिन, सिर्फ खाते 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 जा रहा है, पीते पीते अपना पेट पूजा चला रहा है। ऐसा करके उन लोग बहुत लोभी मन से रहता है, बहुत लोभी मन से रहता है, काना का लोभी मन से रहता है। बताए उपा विशाखा, ये है गोपालक उपोषत। बताया विशाखा, ये गोपालक उपोषत में कोई पुण्य नहीं है, कोई फल नहीं है, चमकता नहीं है, एक बूंदा पुण्य इसी गोपालक उपोषत में मिलता नहीं है। आप लोगों को गोपालक उपोषत अच्छा समझ में आ गया? इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया विशाखा, निगंठ उपोषत मतलब क्या है? विशाखा निगंठ लोग हैं। कौन है निगंठ? महावीर।
जैन जैन महावीर एक लांटी बाबा है ना, गया में भी है उन लोग का मंदिर, गया में फोटो लगाया हुआ है ना, बोधगया महावीर बिना कपड़ा पहन के रहता है। जैन भगवान बुद्ध की मूर्ति जैसा उसका उसका मूर्ति है ना महावीर, उन लोगों का भी उपोषित एक होता है पूर्णिमा के दिन। ओके क्या है वो महावीर अपना चेला लोग को बताते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा उपोषित लेना है तो अगला पूर्णिमा में लेंगे ना, अगर चाहे तो ऐसा ले सकते हैं। देखिए कैसा है, अपना चेला लोग को बुलाता है वो औरत पुरुष आपको बुला के बताता है, आप लोग आइए आकर के पूरब साइड में 100 किलोमीटर तक मैत्री करिए, पूरब दिशा में, पूरा दिशा में नहीं, 100 किलोमीटर तक दूर तक मैत्री करिए। 100 किलोमीटर दूरी तक जो कोई प्राणी है उन लोग को दया करना है। इसके बाद पश्चिम दिशा में 100 किलोमीटर तक मैत्री करिए, उन लोग पे दया करिए। इसके बाद उत्तर साइड, उत्तर दिशा में 100 किलोमीटर तक वैसे ही मैत्री करिए, दक्षिण दिशा में वैसे ही 100 किलोमीटर तक मैत्री करिए। ऐसा अपना जो रहता है ना उसी रहने का जगह पे, जगह के लिए सिर्फ मैत्री करने के लिए सिखाता है पूर्णिमा के दिन। इसके बाद क्या कहता है, इधर आइए आप अपना कपड़ा को उतारिए, सारे कपड़ा को, जांगिया भी पहनना मना है वो भी उतार दीजिए, उतार कर हटा कर, हटाने के बाद आपको बहुत हल्का लगेगा। इसके बाद आपका शरीर में कहीं एक धागा भी नहीं है, यह ऐसे हो, ऐसे आप पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर के रात तक रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया, कौन सिखाता है ये सिस्टम, निगांत महावीर। अगर आप लोग अगर चाहेंगे तो कर सकता है। इसके बताते हैं आप किसी को पहचानता नहीं है, अभी कोई नहीं जानता है, वैसा ही आप रहना चाहे पूर्ण सुबह से लेकर के वही तो सुबह से लेकर रात तक कोई नहीं, मतलब हजारों लोग एक ही जगह पे, हजारों लाखों लोग सब एकदम जैसा जन्म लिया वैसा ही कपड़ा के साथ जन्म लेता है लोग नहीं, वैसा ही लड़की लोग, लाड़ा का लोग, बाबा लोग, दादा लोग, दादी लोग, मामी लोग, पापा लोग सब एक ही जगह पे से रहता है। कहा वो दो तरह श्वेतांबर दिगंबर दो तरह का नहीं, वो तो बाद में आ गया ना, श्वेतांबर दिगंबर ये निगंत एक ही था। हाँ उसमें छोटा एक उजाला कपड़ा पहन, लेकिन पूर्णिमा के दिन साफ कपड़ा उतारना है उपोषित है। इसके बाद बोलते भगवान बुद्ध ने बताया, लेकिन इसमें वो महावीर कहता है ना अभी आप कोई पहचानता नहीं, ऐसे कर सकते हैं मन में नहीं कर सकते, लोग जानता है ये मेरा बेटा है, और अपना मामी लोग पहचानता है, मामी लोग पहचानते हैं मेरा बेबच्चे है। इसके बाद पति पहचानते ये मेरा पति नहीं है, पति है पत्नी है, पत्नी पहचानती ये मेरा पति है। इसके बाद जो नौकर लोग जानते हैं मेरा मालिक जी है, मालिक पहचानते मेरा नौकर है, तो क्यों, क्योंकि भूलने के लिए बताया था अभी, तो देखने में हाँ मालिक जी आ गया, सारे कपड़ा नहीं है, ऐसे करके भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा झूठे कुपोषित करवाता है पूर्णिमा के दिन। उसी उपोषित से रात खत्म होने के बाद सुबह तक, हाँ रात तक नहीं सुबह तक, आज सुबह से लेकर कल सुबह तक, सुबह क्या करता है तुरंत जाकर के अपना अपना कपड़ा पहन लेता है। पहन के चल जाता है। पूर्णिमा के दिन लोग क्या करता है, सब कुछ छोड़ देता है, घर द्वार, बाल बच्चे, परिवार, धन संपत्ति, पति पत्नी, बाल बच्चे, कम से कम एक धागा कपड़ा भी रखता नहीं, वो भी छोड़ देता है। भगवान बुद्ध ने बताया ऐसे छोड़ दिया हुआ कपड़ा सुबह पहनता है, इसका मतलब चोरी हो गया है,
चोरने का तो उसका हो गया है, नहीं उसका नहीं होने वाला कपड़ा फिर ले लिया तो चोरी है, घर द्वारा चोर दिया फिर अपना घर पे चल जाता है, चोरी हो गया है ना। ऐसा उन लोग उपोषित लेता है, इसी उपोषित कहता है निगंट उपोषित, बताया विशाखा। इसी प्रकार निगंट उपोषित लेंगे तो कोई पुण्य नहीं है, कोई चमकता नहीं है, बलवान नहीं है ऐसा उपोषित में। अभी हम दो प्रकार का उपोषित आपको बताया, पहला क्या है गोपालक उपोषित, वो तो आप लोग मुश्किल लेना, बाबा लोग तो करता है ना। दूसरा उपोषित क्या है, वो आप लोग चाहे तो अगर राजगीर गया जा करके मंदिर है ना कर सकता है, बताया विशाखा। तीसरा उपोषित है आर्य उपोषित, आर्य उपोषित, आर्य उपोषित मतलब क्या है विशाखा, गंदगी मन को उपाय से ही पवित्र करना पड़ता है, मन गंदा हो गया तो उपाय से पवित्र करना, उपाय मतलब क्या है, कोई दिमाग लगा के, कोई तरीका हो दिमाग लगा के, कोई उपक्रम करके, कोई रास्ता से ये मन को पवित्र करना पड़ेगा। इसीलिए आर्य श्रावक लोग, आर्य श्रावक मतलब भगवान बुद्ध के शिष्य लोग, ये मन को पवित्र करने के लिए क्या करता है, भगवान बुद्ध के बारे में सोचते हैं, कब पूर्णिमा के दिन, कपड़ा उतारते नहीं है मगर भगवान बुद्ध के बारे में मनन करता है, क्यों, अपना मन को पवित्र करने के लिए। कैसे, भगवान बुद्ध अरहं है, सम्मा संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोकविदु है, अनुत्तरो पुरुषम सारथी है, सत्तादेव मनुष्य बुद्ध है, भगवान है। अरहं मतलब राग द्वेष मोह को खत्म कर दिया, सम्मा संबुद्ध मतलब बिना गुरु के उपदेश से आज चार आर सत्य प्राप्त ज्ञान प्राप्त किया, विद्याचरण संपन्न मतलब सारे विद्या को प्राप्त करके शांति से जीवन बिताया, शुद्ध आचरण। सुगत मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चले गए। लोक विदु मतलब सारे लोगों को जान, सारे लोक देव ब्रह्म मानो नरक सारे लोक के बारे में जान लिया, लोक विदु। अंतर पुरुष दम सारथी अहंकार घमंड लोगों को सुधारा, डांटा उठा के तलवार उठा के नहीं, प्रेम से ज्ञान से। सत्ता देव मनुष्याना यानी कि सारे देवता का तथा मानव का गुरु बुद्ध, बुद्ध मतलब सब कुछ जान के वो गहरी ज्ञान सबको बताया। भगवा, भगवा मतलब अनगिनत गुण लेकर के रहते थे और महाकारुणिक है, अनगिनत प्रज्ञा थे, इसीलिए उनको भगवा कहते हैं। ऐसा सोचते हैं कब, उपोषित के दिन, वो सुबह पूर्णिमा के दिन वो सोचते रहता है। ऐसा सोचते रहते समय उसका मन पवित्र होता है, पूछे कितना देना है, उसका मन पवित्र होता है। पवित्र होने के बाद मन एकदम प्रकाशमय होता है, प्रकाशमय मतलब मन में एकदम खुशी है, क्या करने से, भगवान बुद्ध के बारे में सोचने से मन खुशी है। ऐसा खुशी होने से मन में जो कुछ गंदगी है वो सब धीरे धीरे हट जाता है, कम जाता है। इसके लिए भगवान बुद्ध ने उदाहरण बताया, बाल को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई शैंपू वगैरह लगा के बाल पवित्र करना पड़ेगा, वो सही है। वैसे ही है अपना मन को पवित्र करने के लिए वो उपोषक के दिन भगवान बुद्ध के बारे में सोचते रहता है। उसके लिए एक उदाहरण बताया, अगर बाल गंदा हो गया तो लोग क्या करते रहता है, दवा लगाता है, कोई कोई मिट्टी लगाता है ना, मिट्टी लगाता है, पानी लगाता है, शैंपू लगाता है, ऐसा बहुत मेहनत करके लगड़ाना पड़ेगा ना अच्छा से, ऐसे होने के बाद पवित्र होता है। उसी मतलब उपाय क्या है बाल पवित्र करने का, शैंपू लगाना, मिट्टी लगाना, पानी लगाना, ये उपाय है ना। वैसे ही मन को पवित्र करने का उपाय है उपोषित के दिन भगवान बुद्ध के बारे में सोच के रहता है, कैसे अरहं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न
सुगत लोक विदो अनुत्तर पुरुषम सार तथा देवंतन बुद्ध भगवान। अगर वो भगवान बुद्ध के बारे में सोचते रह गया तो उसी समय महाब्रह्म जी के साथ रहना जैसा होता है। जिस समय भगवान बुद्ध के बारे में आंख बंद करके सोचते रहता है उस समय वो महाब्रह्म जी के साथ रहता है, वैसा हो जाता है वो। ऐसा होने से उनका मन का गंदगी हट जाता है। इसका अर्थ बताया विशाखा, ये गंदगी मन उपाय से ही पवित्र करना पड़ता है। कैसा? और एक उपाय है मन को पवित्र करने का, कैसा है? धर्म के बारे में सोचता है। क्या है धर्म? स्वाकात। स्वाकात मतलब शुरू मध्य मानते एकदम क्लीन बताया। सांदिट्टिक मतलब इसी जीवन में फल मिलता है। अकालिक मतलब समय समय पे, हर एक समय में फल मिलता है। अकालिक यही पास्तिक मतलब सभी लोग इसी धर्म पे आके देख सकता है। ओपनायिक मतलब अपने से देखना चाहिए। पश्चातम तबिन्यु ही मतलब जितना आपके पास ज्ञान है उतना ही धर्म पकड़ सकता है, ज्ञान है ना। इसी प्रकार धर्म के बारे में मनन करने से भी उनका मन प्रसन्न होता है। प्रसन्न होने के बाद मन शांत होता है, मन की गंदगी हट जाता है। वैसा है वो, कैसा है? शरीर जिस प्रकार पवित्र करता है ना, वैसा है मन धर्म के बारे में सोच के पवित्र करना। शरीर को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई मिट्टी लगाना पड़ेगा या साबुन पानी, फिर लगड़ाना पड़ेगा, सुगंध कुछ डालना पड़ेगा और मेहनत चाहिए। ऐसा होने पर शरीर पवित्र होता है ना, वो वैसे ही मन को पवित्र करने के लिए धर्म के बारे में मनन करना चाहिए। इसके बाद बताया विशाखा, और ये मन पवित्र करना चाहिए उपाय से महासंघ के बारे में सोचना चाहिए। महासंघ सुपटिपन्न, सुपटिपन्न मतलब सुंदर मार्ग पर आया, उजुपटिपन्न सीधा मार्ग सत्य मार्ग पे आया, न्याय पटिपन्न राग क्रोध मोह गंदगी मिटाने वाले रास्ता पे आ गया, सामीचि पटिपन्न उसी रास्ता पे आ करके दूसरों को भी रास्ता बताते हैं। इसके बाद आहुनेय, आहुनेय मतलब दूर से आकर के पूजा कर सकते हैं उन लोग को, महासंघ को। अभी आप लोग दूर से लाके पूजा किया ना महासंघ के लिए, बहुत पुण्य मिलता है। इसका आगंतुक मेहमान जैसे समझ के घर पे बुला के पूजा कर सकता है। इसके बाद दान दे सकता है, दाखी नहीं। इसका अंजलि करनी है, हाथ जोड़ के नमन करने से बहुत पुण्य मिलता है। इसका अनुत्तरम पुण्य के संलोकस, सारे देव मानव को पुण्य खेती जैसा। खेती का स्वभाव कैसा है? थोड़ा रोपेगा तो बहुत फल निकलेगा ना, जितना हम लोग धान रोपता उतना ही मिल जाएगा, वैसा है महासंघ लोगों को थोड़ा भी दिया तो बहुत गुना करके मिल जाता है पुण्य। ऐसा उन आर्य महासंघ के बारे में मनन करके प्रसन्न होता है। इसके बाद मन शांत होता है, मन की गंदगी दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो कैसा है? कोई कपड़ा साफ करना चाहे तो उपाय लगा के साफ करना पड़ेगा ना, गरम से और सर्फ कुछ लेकर के, गोबर लेकर के, पानी लेकर के, मेहनत रगड़ा के, पूरा मेहनत करके पवित्र करना पड़ेगा कपड़ा। ऐसा पवित्र करने का कपड़ा शुद्ध होता है। वह सही गोबर से पवित्र, गोबर से भी साफ करता है ना कपड़ा, पहले भगवान बुद्ध के समय करता था। इसीलिए वह सही है, ये गंदगी मान को पवित्र करने के लिए संघानुस्सति ध्यान करना चाहिए। संघानुस्सति मतलब महासंघ के बारे में सोचना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने बताया ये मन को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उपाय लगाना पड़ेगा। वो क्या करते? उपोषित के दिन अपना सील के बारे में मनन करता है। हम क्या क्या सील ले लिया आज? आप पानातिपाता लिया, आज टूटा है पानातिपाता? नहीं। अदिन्नादाना टूटा है? नहीं। अब्रह्मचर्य टूटा है? नहीं। मुसावादा टूटा है? नहीं। झूठ बोला है हम? नहीं। सुरा मेरे, अब हम नशा किया है आज सुबह से? नहीं। विकाल भोजना, दोपहर के बाद हम कुछ खा लिया है? नहीं। अगर ऐसे हो गया तुरंत
वो सील लेता है वो द्वारा। इसके बाद नाच गीत वाए, हम गाना गाया या गाना सुना कुछ ऐसा किया है? नहीं, गाना सुनने से लिख जाता है, ध्यान नहीं दे, यानी कि आपको रास्ता पैर से गाना सुनाई देते, ऐसा नहीं, आप ऑन करके सुना, ध्यान दे करके टूट जाता है, टीवी चालू करके देख सुनता है ना, गाना फिल्म नाटक वगैरह देख ले तो टूट जाता है, और सेन पाउडर क्रीम वगैरह लगाया तो टूट जाता है, सोचता है। इसके बाद हम बड़ा बड़ा आसन पर बैठ गए, अच्छा अच्छा गद्दी पर, ऐसा गद्दी तो नहीं है आप लोग के घर पे, यहाँ भी नहीं है, वो बड़ा बड़ा होटल पे है, ऐसा अपना सील के बारे में सोचता है, देखता है मेरा सील टूटा कि नहीं, मेरा सील डैमेज हुआ कि नहीं, चेद हुआ कि नहीं, ऐसा सील के बारे में सोचने से अगर सील नहीं टूटा है तो बहुत मन खुश हो जाता है, बाप रे हम तो आज पवित्र है, ऐसे हो सोचने से मन शांत होता है, शरीर हल्का लगता है, तुरंत बैठने के बाद ध्यान मिल जाता है। वो कैसा है भगवान बुद्ध ने बताया, अगर आईना गंदा हो गया तो उपाय से साफ करना पड़ेगा ना, तेल लगाना पड़ेगा या राख लगाना पड़ेगा, ब्रश लगाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे मेहनत करने से आईना साफ होता है ना, वैसे ही है मन को पवित्र हो जाता है शिव के बारे में सोचने से। इसके बाद बताया विशाखा, ये मन पवित्र होता है और एक चीज से, क्या है? आर्य श्रावक लोग, आर्य श्रावक कौन है? भगवान बुद्ध की शिष्य लोग, आर्य श्रावक लोग देवताओं के बारे में सोचते हैं, कैसे? चातु महाराज के देवलोक में रहने वाले देवताओं है, ताओ तीन से देवताओं है, याम देवताओं है, तुषित देवलोक का देवताओं है, निमानराति देवताओं है, परिणिमित वसवाति देवताओं है, ब्रह्मकायिक देवता है, इससे भी आगे ऊपर ऊपर ब्रह्म लोग देव, ब्रह्म भी देवता ही हैं, मतलब सब देवता कहा जाता है, अलग अलग होता है ब्रह्म और देवता, मगर सब सभी लोग एक नाम बताए तो देवता कहा जाता है, वो सभी देवताओं धरती पर रह करके ही देवताओं के पास गया, कैसे गया है? मेरे पास भगवान बुद्ध प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा है, उस देवताओं के प्रति भी धरती पर रहते समय मन में श्रद्धा था, और जिस प्रकार उन लोग के पास श्रद्धा है वो श्रद्धा मेरे पास भी है, ऐसा सोचना चाहिए। और देवताओं देवलोक में गया जरूर सील सुरक्षा करके, है ना, उपोषत लेके, मेरा पास भी उपोषत है, और देवताओं देवताओं बहुत ज्ञानी बन के देवलोक में गया, ज्ञान सुनकर भगवान बुद्ध, हम भी ज्ञान सुनी, मेरा पास भी ज्ञान है, देवताओं दान देकर के देवलोक में गया, हम भी दान दिए हैं, आप लोग नहीं दिए तो आप लोग भी दिए हैं। इसके बाद देवताओं प्रज्ञावान हो के देवताओं के पास गया मरने के बाद, हम मेरे पास भी प्रज्ञा है, आपके पास प्रज्ञा नहीं है, सबके पास है ना प्रज्ञा, सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, पहचान नहीं सकते हैं, वही प्रज्ञा है। तो देखिए अभी आप लोगों के पास श्रद्धा है कि नहीं, सील है कि नहीं, धर्म की ज्ञान है कि नहीं, इसके बाद आप लोग दान देते हैं कि नहीं, इसका तो आप लोग के पास प्रज्ञा है कि नहीं है, ये पांच कारण सोचता है, देवताओं के पास भी ये पांच कारण होने के कारण वो लोग देवताओं के पास गया, हमारा पास भी ये पांच कारण है, तो उन लोग और मेरा कोई अंतर नहीं, हम लोग सब बराबर है, मेरे पास भी वो पांच गुण है, उन लोग के पास भी वो पांच गुण है, ऐसा सोचता है, ऐसा देवताओं के बारे में इसी प्रकार सोचने से मन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, धीरे धीरे मन की गंदगी हट जाता है, मन फ्रेश होता है। एक ऐसा है सोना, सोना शुद्ध करना जैसा, सोना कैसे पवित्र करता है, ब्रश से उसको गला के आराम से सब साफ करता है ना, मेहनत से, वैसे ही है देवताओं के बारे में सोचने से मन पवित्र होता है।
इसके बाद वो ऐसा सोचता है, आर्य श्रावक लोग ऐसा ज्ञान से मनन करते हैं, अरहंत बनते लोग जीवन भर प्राणियों को हत्या नहीं किया, तो मैं आज उन लोग जैसा आज प्राणियों को हत्या नहीं करेंगे। अरहंत बनते लोग चोरी नहीं किया, हम भी आज चोरी नहीं करेंगे वो सबके दिन। अरहंत बनते लोग ब्रह्मचारी पालन किया, हम भी आज ब्रह्मचारी पालन करेंगे। अरहंत बनते लोग रात में कभी नहीं खाया, तो हम भी आज रात का खाना छोड़ देंगे। अरहंत बनते लोग सेंट पाउडर क्रीम लगाया नहीं और गाना सुनाया नहीं, गाना गाया नहीं, बजाया नहीं, नाटक फिल्म देखा नहीं, जीवन भर सिर्फ आज पूर्णिमा के दिन ये कुछ नहीं करेंगे। अरहंत बनते लोग सारे लोग सारे प्राणियों पर दया किया है, मैत्री किया है, हम भी आज मैत्री करके रहेंगे सभी लोग, कभी किसी को डांटेंगे नहीं आज पूर्णिमा के दिन। उसी प्रकार पारिशुद्ध जीवन अरहंत बनते लोग बिताया, तो आज हम बिताएंगे उसी प्रकार। इसके बाद बताया उम्र के बारे में, बताया विशाखा, इसी प्रकार कोई उपोषत लेगा तो उसी उपोषत बहुत बड़ा पुण्य है, चमकता है, कितना चमकता है, कितना पुण्य है, कितना फल मिलता है। एक उदाहरण भगवान बुद्ध ने बताया, जो कोई है कोई एक राजा है, वो राजा अंग मगध काशी कोसल वाज्य मल्ल चेती वंग कुरु पंचाल मच्छ सूरसेन अस कावंती गांधार काम्बोज, 16 राज्य हैं। 16 राज्य मतलब क्या है, पूरा भारत, पूरा भारत में राज्य करता है, पूरा सब कुछ सुख संपत्ति भोगता है। भगवान बुद्ध ने बताया अगर उपोषित लेगा तो 1000 गुना करके इसमें से एक गुना तरंग मत पूरा राजा कीमत नहीं पड़ता है, उससे 1000 गुना एक बार उपोषित लेकर के पुण्य मिलता है, एक दिन का उपोषित से। समझ लीजिए कितना पुण्य है, कितना ही चमकता है, छोटा कुछ नहीं है। इसके बाद बताएं विशाखा, ये मनुष्यों का राजाओं का सुख संपत्ति बहुत छोटा चीज है, देवताओं का सुख संपत्ति सोच भी नहीं सकता। बताया मनुष्य लोग के 50 साल मतलब चातु महाराज के देवताओं को एक दिन है, वैसा 30 दिन गया तो एक महीना होता है, वैसा महीना से 12 महीना गया तो एक साल होता है। चातु महाराज के देवताओं की उम्र 500 साल, 500 साल मतलब धरती से 500 गुना करना पड़ेगा ना, बाप रे सोच भी नहीं सकता। 50 एक दिन होता है, मनुष्य लोग 50 साल चातु महाराज देवताओं के पास एक दिन, तो एक महीना मतलब 30 इंटू करना चाहिए 50 में, सोच भी नहीं सकता है ना। उल्लो का उम्र से 500 साल यानी कि करोड़ साल। इसके बाद बताया इसके ऊपर देवलोक के तावतीन से, इधर का 100 साल मतलब तावतीन से देवलोक में एक दिन है, 100 साल उधर एक दिन, वैसा एक दिन है 30 दिन, एक महीना 12 महीना, एक साल उसी उसमें से 1000 साल तावतीन से देवताओं को उम्र, बिल्कुल अगर आप चाहेंगे तो जा सकते हैं, पाप नहीं करना चाहिए मरने दम तक, यानी हम देवता लोग में उससे हाँ, तो ध्यान करके जा सकता है, उसमें भी पुण्य करके जा सकता है, लेकिन इतना सुख मिलता है पुण्य करने का मन नहीं करता देवताओं को, सुख भोगते भोगते रहता है बहुत देवताओं, ज्ञान के साथ देवलोक से जाएगा ना उन लोग जाता है, नॉर्मली पुण्य करके सिर्फ जाता है ना, उन लोग पुण्य देखने के बाद
कैसे लगता है आप पूरा पूरा धरती का राजा बन गया तो सुख बहुत है ना, वो एकदम एक चींटी जैसा है, पूरा धरती जैसा है, तावती से एक देवता का सुख समझ लीजिए, उतना सुख भी कितना अटक जाएगा। तो इसके बाद बताया अगर कोई उपोषित ले लिया तो स्त्री या पुरुष थावतीस देवताओं के पास जन्म लेता है। मैं भगवान बुद्ध अपना आंखों से देख के बताया उपोषित लेने वाले लोग थावतीस देवताओं के पास भी जाता है। इसके बाद बताया मनुष्य लोक में 200 साल मतलब याम देवलोक में एक दिन होता है, 200 साल एक दिन, इधर 200 साल बीत गया मतलब उधर एक दिन हो गया, उसी में से 30 दिन एक महीना होता है, उसी 12 महीना से एक साल होता है, उसी उम्र से 2000 साल यामदेव लोग का उम्र है, 2000 साल मतलब गिन नहीं सकता मैं बर्दारती से। लेकिन जो कोई उपोषित लेता है स्त्री या पुरुष वो यामदेव लोग में भी जन्म लेता है। इसके बाद बताया मनुष्य लोग से 400 साल मतलब तुषित देवलोक में एक दिन है, इधर से 400 साल मतलब उधर एक दिन तुषित देवलोक में, उसी दिन में से 30 दिन गया तो एक महीना होता है, उसी 12 महीने गया तो एक साल होता है, उसी सालों में से 4000 साल तुषित देवलोक का उम्र है। भगवान बुद्ध ने बताया अगर जो कोई स्त्री या पुरुष आर्य उपोषित लेंगे तो तुषित देवलोक में भी जा सकता है। इसके बाद बताया मनुष्य लोक में 800 साल निम्नानुरक्त देवलोक में एक दिन है, इधर 800 साल निम्नानुरक्त देवलोक में एक दिन, इसका मतलब भगवान बुद्धि के परिनिर्वाण होके 4 दिन हो गया होगा, उधर 4 दिन भगवान बुद्धि परिनिर्वाण होके इसे खाल पारसो खाल नहीं पारसो नहीं तरसो सरसो से चोटा रो भगवान परिनिर्वाण हो गए, याद है कि नहीं उन लोग को ऐसा है तो याद। हम लोग को परसों चीज याद है कि नहीं, वैसे देवताओं को एकदम नजदीक देवता देख रहा है ये जन्म भी मर गया ये जन्म भी मर गया ये जन्म भी मर गया, हर एक मिनट मिनट में लोग मर जाता है वैसा है वैसा है मतलब इधर 800 साल मतलब निम्नानुरक्त में एक दिन, वैसा है 30 दिन गया तो एक महीना होता है, 12 महीना गया तो एक साल होता है, उसी उम्र से 8000 साल होता है उधर का उम्र। इसके बाद बताया मनुष्य लोक से 1600 साल परिनिमित वासवार्थी देवताओं देवलोक में एक दिन है, 1600 साल उधर एक दिन है, इसका मतलब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण होकर 2 दिन भी नहीं गया, परसों है ना, परसों अभी बीता भी नहीं बीता है 1600 मतलब 3002 कल शाम में 3000 कल शाम में भगवान परिनिर्वाण हो गए, भगवान बुद्ध शब्द अभी तक याद होगा परिणित वासवार्थी देवताओं को, अभी बात करके आए भगवान से लोग हाँ अभी बात करके हम आए, ऐसा वैसा मतलब मनुष्य लोक में 1600 साल उधर एक दिन, वैसा 30 दिन एक महीना, उसी महीना से 12 महीना एक साल होता है, उसी सालों में से उधर उम्र है 16000 साल, 16000 मतलब गिन नहीं सकता। बताया भगवान बुद्ध जो कोई मनुष्य लोक में आर्य उपोषित लेके रहता है वो परिणिमित अवसर देवलोक में जाकर के सुख भोगता है, इतना पुण्य मिलता है ये उपोषित का। अंत में भगवान बुद्ध ने बताया जो कोई उपोषित लेके रहता है वो दुनिया में चमकता है सूर्य चांद जैसा, कौन उपोषित लेके रहने वाले लोग, इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया
सूर्य चांद के साथ जितना सोना चांदी मानी हीरा है वो सब जमा किया तो जो उपोषित लेता है ना, उपोषित लेने का पुण्य मिलता है, उसी पुण्य हजार गुना कर दिया तो उनमें से एक गुना तरम एक गुना जैसा भी कीमत नहीं है। सूर्य चांद के साथ सारे मानी हीरा सब जमा किया तो वो सारे हीरा मानी चांदी सब कीमती कीमती सारे संपत्ति जमा किया तो उपोषित जो मिलता है ना पुण्य, वो पुण्य हजारों गुना करने पर भी उसमें एक गुना जैसा भी कीमत नहीं है, उससे भी ज्यादा कीमत है उपोषित से मिलने वाले पुण्य। इसीलिए हाँ, इसीलिए जो कोई स्त्री या पुरुष हो वो सभी लोग उपोषित शील सुरक्षा करना चाहिए अगर अपने को सुख पसंद है तो, क्योंकि जो कोई उपोषित लेता है वो सभी लोग बहुत ही सुख भोगता है, कोई नहीं रोक सकता सुख भोगने से, इतना ही पुण्य मिलता है उपोषित से। इसीलिए आज पूर्णिमा है ना, आज मेन देवता घूम रहा है हर जगह, बड़ा बड़ा देवताओं पूरा धरती पे घूम रहा है, कौन आज उपोषित लिया, कौन आज उपोषित ले रहा है, पूर्णिमा है ना, कौन ले रहा है, कौन आज मम्मी पापा को सेवा कर रहा है, कौन आज अभी पाप कौन पुण्य कर रहा है, कौन ज्ञान सुन रहा है, कौन ध्यान करता है, ये सब देख हर एक आदमी का मन देखता है, हर एक बच्चा का हर एक आदमी का, हर एक लड़के लड़का सबका, हर एक बंधु जी का मन देखता है देवताओं सुबह से लेकर रात तक। रात में जाता है सुधर्मा देव सभा में, एक मीटिंग है सुधर्मा, उसी सुधर्मा देव सभा में जाने के बाद क्या होता है, बड़ा बड़ा देवता इंद्र जी बैठ के रहता है, बताता है देवराज इंद्र जी अभी देव माँ भी मनुष्य लोग कोई मम्मी पापा को सेवा नहीं करते, कोई उपोषित जानता भी नहीं है, उपोषित के बारे में बनते लोग खाते पीते रहते, उपोषित के बारे में किसी को बताता भी नहीं है, पाप से भर गया धरती, कोई ध्यान नहीं करता, ज्ञान सुनता नहीं है। फिर वो देवताओं बताते, बड़ा बड़ा देवताओं बहुत दुखी का बात, अभी तो देवताओं देवलोक खाली हो जाएगा, नरक भर जाएगा, असुर भर जाएगा, असुर लोग बलवंत हो जाएगा, देवताओं कमजोर हो जाएगा, क्यों, जो जो मर जाता है वो नरक असुर भूत प्रेत जन्म लेता, देवताओं के पास जाएगा, देवताओं के पास नए नए लोग नहीं जाने से देवताओं कमजोर होता है, संख्या कम हो जाता है, क्योंकि देवलोक से उम्र खत्म होकर लोग मर जाता है ना, उसी जगह पे जाने के लिए और नया लोग नहीं है। भगवान बुद्ध के समय में जो मर जाता है देवताओं के पास, जो मर जाता है देवताओं के पास, वर्तमान में जो मर जाता है सब नरक में असुर में। इस हमको पोषक टूट गया था एक बार तो लेना चाहिए, इसलिए आप सभी लोगों को अच्छा से उपोषित सुरक्षा करके बहुत पुण्य कमा के सभी दुख से मुक्त होने का भाग ही मिल जाए। करें लाल की टिप्पणी।